हे गाइस, आयुष एक्सप्लोरेशन के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो मेरे को आज एक बढ़िया सा चीज मिला है। जब भी आपको बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा होगा तो इसको आप 10 मिनट में बना के खा सकते हैं। बहुत ही इजी चीज है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ कॉर्निटोस का ये हरा भरा कबाब रैप किट, जो कि इसमें सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ रहता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा है। सो मैं अभी इसे खोलने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा पैकेट में आया है। इसके अंदर पहले हमको देखने को मिलता है ये टॉटिया वेब, जो कि फ्लोर से बना है। ये आप देख सकते हैं कितना दिखने में भी बहुत मस्त है। फिर इसके अंदर चेक करते हैं, ये सालसा टिप दिया गया है इसमें, सालसा टिप का 2 पैकेट। ये टॉपिंग्स है और ये कबाब बनाने का पाउडर है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बना के दिखाता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो मैं अभी ये जो कबाब का पाउडर था इसको काट के एक कटोरे में डाल रहा हूँ। अब हम इसे डो में 240 ml थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में पहले से ले आया हूँ, इसको इसमें डाल के इसका अच्छे से डो बना लेना चाहिए। पानी डाल देता हूँ 240 ml। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगा, अच्छे से हल्का गर्म पानी अच्छे से मिक्स कर लें। देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया, ये मिक्स हो गया। अब हम इसे 5 मिनट ऐसे छोड़ देंगे। सो गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूल के वो बन चुका है। अब हम एक लिटिल अमाउंट ऑफ डो लेंगे और इसको दोनों हाथों से प्रेस करके इसका गोल गोल अच्छे से टिक्की बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मैंने टिक्की बना लिया, अब मैं काफी सारा बनाऊं। सो मैंने ये 4 टिक्की बना लिया है। अब हमें करना क्या है, एक पैन में हमको तेल गरम करना है और ये जब ये गरम हो जाएगा ये टिक्की को मैं दे दूंगा। अब ये फ्राई हो रहा है, करीब 1 मिनट हो चुका है। हमें इसको दूसरे साइड से फ्राई करूंगा। देख सकते हैं आप, फिर इसको ढक के 1 मिनट रख देना है। सो गाइस, टिक्की तो बन चुका है। अब हम मैं ये टोटियल पैक को लूँगा और ये गर्म तवे में अच्छे से सेंक लूँगा। करीब करीब गर्म तवे में मैं इसको 1 मिनट तक सेंकूँगा। सो इसको सेंकने के बाद मैं इसके ऊपर टिक्की डालूँगा जो मैंने अभी अभी फ्राई किया है। ये मैंने नॉर्मली तवे में फ्राई किया है, आप चाहे तो इसको तेल कढ़ाई में डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा अनियन के साथ, इसके साथ आप कैप्सिकम भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं अनियन और कैप्सिकम दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जैसे गाजर। ये फिर मैं थोड़ा सा इसमें सालसा सॉस दे देता हूँ, थोड़ा लार्ज अमाउंट में देता हूँ, अच्छा लगेगा। अच्छे से इसमें सालसा सॉस थोड़ा डाल देता हूँ, ये सालसा सॉस तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। फिर इसके ऊपर इसका सीजनिंग भी डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सीजनिंग के साथ। फिर इसको अच्छे से रैप कर दीजिए। इसको अच्छे से रैप करने के बाद गरम तवा में ऑयल लेके फिर से थोड़ा सेक लेंगे ताकि ये जो टॉर्टिला है वो अच्छे से क्रिस्पी बन जाए और गरम भी रहे, और 2 पीस में इसे कट कर लीजिए। सो फाइनली हमारा कबाब रेडी हो चुका है। मैं अभी इसे खा के देखता हूँ कि ये कैसा लगता है। आप देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है। सो गाइस, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी बना है और क्रिस्पी भी है। इसका जो रैप है वो भी क्रिस्पी है और इसका टिक्की भी बहुत ही अच्छा बना है। इसमें मैंने जो सालसा डिप डाला था इसके लिए इसमें थोड़ा सा खट्टा और मीठा फ्लेवर है। जरूर आप इसको खा के देखिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिए आयुष एक्सप्लोरेशन।